जय श्री राम जी, मैं पंडित विंध्य प्रकाश पांडे स्वागत करता हूं आपका कुंडली टीवी के कार्यक्रम। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। अपने काम को पूजा मानकर आप खूब मेहनत करेंगे। कुछ लोगों का स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है। काम के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। आर्थिक तौर पर बहुत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। माता पिता का सहयोग भी मिलेगा और उनके स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेंगे। अपनी किसी रुचि को आप आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जीवन में सुखी पल आएंगे। शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए आज दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि, आपके लिए दिन काफी अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ लोगों का मनचाही जगह स्थानांतरण का योग बन जाएगा, जिससे उनको खुशी मिलेगी। आपका भाग्य प्रबल होगा, इसलिए बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। धन प्राप्ति से मन प्रफुल्लित रहेगा। पारिवारिक जीवन में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी, धन प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में जबरदस्त लाभ के योग बने हुए हैं। धार्मिक आचरण आज आप करेंगे, उससे संबंधित खर्चा करेंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। वृष राशि वाले, आज माँ भगवती का ध्यान करके माँ जगत जननी जगदम्बिका को एक नारियल अवश्य चढ़ाएं और नारियल के साथ साथ कुछ बताशे का प्रसाद भी माँ भगवती को अर्पित करें। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन कमजोर रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपका स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। मानसिक रूप से भी आप तनावपूर्ण स्थितियों में रहेंगे। साढ़े साथी का प्रभाव भी आप पर दिखेगा और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रभावित होगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपका जीवन धार्मिक आचरण करेगा और परिवार में कोई पूजा पाठ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों का ससुराल पक्ष से मुलाकात करने से बचना चाहिए, क्योंकि झगड़ा हो सकता है और उनके परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरी के सिलसिले में दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले, आज अपने कल्याण के लिए माँ भगवती को एक फूलों की माला और नारियल जरूर अर्पित करें। कर्क राशि, आपके लिए आज का दिन काफी नई उपलब्धियां लेके आएगा। व्यापार के सिलसिले में आज आपको बहुत फायदा मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित है, लेकिन आपका रिश्ता बेहतर तरीके से चलेगा। एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी। यदि जीवन साथी से कोई गलती हुई है तो आज उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उसके लिए वो आपसे क्षमा मांगेंगे, आप भी उनकी बात समझेंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देना आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी संभावित है। कर्क राशि वाले, आज माँ भगवती के मंदिर में जरूर जाएं और वहां जाकर नारियल अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के लिए दिन में शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि आज आप मानसिक रूप से भी थोड़े कमजोर रहेंगे। स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। विशेष रूप से जोड़ों में दर्द या एसिडिटी, ऐसी परेशानी आपको हो सकती है। किसी बहुत पुरानी बात को लेकर आप काफी खर्चा भी करेंगे। आज किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। दाम्पत्य जीवन में आज का दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी से आपका प्रेम बढ़ेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके प्रिय से आप किसी धार्मिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करेंगे। इससे आप दोनों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। नौकरी के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल होंगे और व्यापार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। सिंह राशि वाले भी आज माँ भगवती के मंदिर में जाएं, वहां पर नारियल चुन्नी अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन मिले जुले परिणाम लेके आएगा। आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपका प्रिय अपनी किसी गलती को मान लेगा और आपसे उसके संबंध बेहतर होंगे। दाम्पत्य जीवन जी रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा और आपका विवाह बंधन मजबूत होगा। जहां तक बात आपके काम की है, तो काम के सिलसिले में आज आप थोड़े कमजोर रहेंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके काम करने के लिए जगह सही नहीं है, इसलिए आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। यात्राओं के लिए दिन कमजोर रहेगा, लेकिन व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले, आज माँ भगवती के मंदिर में जाएं, नारियल अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी कोई नई बात आपके सामने आएगी। किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ने से आप चिंतित होंगे। इसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा, लेकिन आपके अपने मनोबल के कारण आप काम को सही तरीके से कर सकते हैं। बिना सोचे विचारे बात करने से आपको परेशानी मिलेगी।
प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। उनका परिवार उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करेगा जो लोग दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी दिन अनुकूल है। लेकिन उनका जीवन साथी आज किसी यात्रा पे जा सकता है और संभव है कि वो कोई तीर्थ यात्रा हो जिस पे आप भी जाएं। तुला राशि वाले आज मंदिर जरूर जाएं, माँ भगवती को नारियल के साथ इत्र अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज का दिन यात्रा पे जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यात्राओं से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और धन प्राप्ति भी संभव है। आज कुछ नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा और कुछ पुराने मित्रों से भी आपकी भेंट होगी। परिवार का वातावरण काफी खूबसूरत रहेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, आप स्वयं में ऊर्जा का अनुभव करेंगे। धन प्राप्ति के उद्देश्य से दिन अनुकूल है। भाग्य आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। आज आप जितने प्रयास करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। अपने कार्यस्थल पर आपको अच्छे अनुभव होंगे और उसकी वजह से आज आप अपने काम को पसंद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए दिन अनुकूल है। वृश्चिक राशि वाले आज मंदिर के अंदर जाएं, माँ भगवती को नारियल के साथ साथ कुछ मीठा खाने का पदार्थ जरूर अर्पित करें। कोई मिठाई बर्फी अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, आज आपके लिए दिन अच्छे अनुभव लेके आएगा। जो एक मानसिक रूप से दबाव आप महसूस करते थे उससे मुक्ति मिलेगी। कुछ नया करने का आज आप विचार करेंगे जिसके कारण आर्थिक तौर पे आपको लाभ मिलेगा। खर्चे बने रहेंगे फिर भी आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। काम के सिलसिले में आज काफी अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आपको शासन का सहयोग मिलेगा और राज्य पक्षों से लाभ होने का भी योग है। परिवार का वातावरण अच्छा है, रिश्तों में अनुकूलता रहेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आपको होगा। प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत अच्छा है और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं। धनु राशि वाले आज माँ भगवती के मंदिर में जाकर माता रानी को नारियल चुन्नी के साथ साथ धूप, गुगल से बनी हुई जो धूप बत्ती है वो जरूर अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन खर्चों से मुक्ति देने वाला है। इसी वजह से आप काफी अच्छा अनुभव करेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, आर्थिक तौर पे आप मजबूत रहेंगे। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास रहेगा। आप हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे, संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। प्रेम जीवन में कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो लोग दाम्पत्य जीवन जीते हैं उन्हें आज अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। जीवन साथी से भविष्य के किसी खास मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। परिवार में सब एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि, आपके आज अंदर प्रेम की भावना बढ़ेगी। चाहे आपका कोई प्रिय हो या ऑफिस का कोई व्यक्ति, सबसे आज आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इस कारण से आज आपको ताजगी मिलेगी। काम के सिलसिले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आप मजबूती से अपने काम को करेंगे। आपके बॉस से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप किसी लंबी यात्रा पे या विदेश जाने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। आर्थिक तौर पे दिन थोड़ा कमजोर है क्योंकि आपके खर्चे अचानक से बढ़े हुए आपको लगेंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। कुछ लोग प्रिय को प्रेम विवाह के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि, आज के दिन आपको एक साथ बहुत सारे लाभ होंगे। इस कारण से आपकी खुशी दुगनी या मैं यूं कहूं चौगुनी होगी। भाग्य आज आपके साथ चलेगा। इस वजह से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपका काम बनेगा ही बनेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुकून भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी जगह बाहर जाने का योग है। अपने खास दोस्तों से मुलाकात भी होगी। लव एंड अफेयर के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपने प्रिय से अपने मन की बात कर सकते हैं। परिवार के बड़े लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, आपको उनके लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। आज आप नई जीवन की ऊर्जा का एहसास करेंगे। काम के सिलसिले में दिन अच्छा है। व्यापार में भी पूरी सफलता आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके राशिफल के साथ। अपने बारे में और जानने के लिए फेसबुक पर कुंडली टीवी को फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय सियाराम।